हमारे यहाँ पे ये टाटा पावर हाउस के जो खड्डे खुदे हुए हैं इनकी वजह से काफ़ी परेशानी है। कल बारिश आने की वजह से एक स्विफ्ट टायर गाड़ी भी घुस गई थी यहाँ पे और आने जाने वालों को काफ़ी समस्या हो रही है और लेडीज़ वगैरह भी निकल नहीं पाती है, गाड़ियाँ भी रफ्तार से निकलती है और इन्होंने केवल एक ये खड्डा ऐसा खोद के रख रखा है, ये खड्डा खोद के रख रखा है और ये ऐसे ही पैक करना चाहते हैं। हम इस पैक नहीं करवाने चाहते। ये कम से कम आज इसको 20 से 22 दिन हो गए क्योंकि इसके यहाँ पे नाले की पुलिया है, वो पुलिया का काम नहीं करवा के इसको डायरेक्ट ही बंद करना चाहते हैं और डायरेक्ट हम बंद नहीं करवाना चाहते क्योंकि इसका जो ये नाले का पानी हमारे क्षेत्र में सभी दीवारों पर घरों की दीवारों पर मरेगा, इसलिए हम ये विद्युत की लाइन है, 33,000 वोल्टेज की लाइन डल रही है, ये उसके ये खड्डे खुदे हुए हैं जगह जगह, आप पूरा रोड देख सकते हैं, पूरा रोड व्यवस्था बिगाड़ रखी है इन लोगों ने और इनके ठेकेदार ऐसे हैं कि बोलते ही काट खाने को दौड़ते हैं और दादागिरी पे उतर जाती है इनकी। प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही, किसी प्रकार का सहायता नहीं मिल रही है यहाँ पे, ना रोड के लिए कुछ हो रहा है ना और किसी के। कौन सी जगह है और कहाँ पे? ये सुखाड़िया नगर टेलीफोन एक्सचेंज के आगे है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश शर्मा। ये जो पावर हाउस के खड्डा खोद रखा है इसका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परसों में सेना लेके निकला, मैं सेना समेत गिर गया, ये 4-5 फुट का गहरा खड्डा है और प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। टाटा पावर वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे, कर्मचारी आते हैं उनसे बातचीत करो तो खाने को दौड़ते हैं, खाली खाली गुलाज में चढ़ जाते हैं। मेहरबानी करके इनको जो नाला है मेरे नाला ठीक करवाओ ताकि घरों में पानी न घुसे। ये 20-22 दिन हो गए इनको सर। प्रशासन ने कभी बात करी आपने? हाँ, लिख के दिया, लिख के नहीं दिया, मुझवानी बोला है। क्या कहा आपको? बोले देख लेंगे इनको बस। किस जगह है, कौन सा एरिया है ये? सुखाड़िया नगर है, टेलीफोन एक्सचेंज के आगे, मयानी रोड। आपका नाम? किशन चंद।